अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने आज धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क बचाने के हुक्मरानों को एक दिन भी देने को तैयार नहीं, उन्हें जितने दिन देंगे पाकिस्तान कमजोर होगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को इस धरने को सीरत कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर देंगे। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तरफ हुकूमती कमेटी, उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ तो हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी जानिब चौधरी शुजात और परवेज इलाही की जानिब से मुसालहती किरदार भी अदा किया जा रहा है। पहले हम आपको सुनवा दें कि एग्जैक्टली अभी कुछ देर पहले मौलाना साहब ने क्या खिताब किया है, क्या कहा गया है। लेट्स लिसन टू first and then we will get back to our show here. Rabiul Awwal ka mahina hai aur inshaallah 22 inshaallah 12 Rabiul Awwal ko is azadi march ko hum Seerat-e-Tayyiba conference mein tabdeel kar denge. Khuda na kare अगर अगला बजट भी इन्ना अहलों के हवाले हो गया तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। जैसे कि आपने सुना 12 रबीउल अव्वल की डेट दी है उन्होंने कि 12 रबीउल अव्वल को इस धरना मार्च को सीरत कॉन्फ्रेंस में जो है तब्दील कर दिया जाएगा। अब क्या इसे डेडलाइन समझा जाए कि इस तारीख को 12 रबीउल अव्वल को जो धरना है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। साथ साथ हम देखते हैं कि ऑपोजिशन की राहबर कमेटी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान जो डायलॉग है वो डेडलॉग का शिकार नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चौधरी शुजात और परवेज इलाही जो है वो रात गए फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करते हैं, जिसमें परवेज इलाही साहब जो है वो बड़े पुरउम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी कोई हल निकल आएगा। सुन लेते हैं कि व्हाट डिड ही से एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर शो हियर। अभी ये बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह देखें, आप दुआ करें कुछ ना कुछ जल्द हल निकलेगा चीजें। जल्द हल निकलने की उम्मीद तो हमें परवेज इलाही साहब दिलाते नजर आए हैं। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने भी इशारा दिया है कि हमारा मुतालबा वही है जो पहले दिन से था, लेकिन कोई और तजवीज़ देनी है तो हुकूमत देगी, हम उस पर गौर करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। हम सुनवा देते हैं कि इस हवाले से क्या बात की गई थी मौलाना की जानिब से। लेट्स लिसन टू दैट आल्सो। हमने एक मौकफ जो जशातुरा मौकफ तमाम पार्टियों के साथ मुशावरत के साथ तय किया है, अलबत्ता अगर वो चाहते हैं कि हम उसमें तब्दीली लाएं तो फिर वो प्रपोज़ल लाएं, दरमियानी रास्ते वाले प्रपोज़ल, उस पर हम गौर करेंगे, काबिल कबूल हो सकते हैं। दरमियानी रास्ते के प्रपोजल लाने की भी बात की है मौलाना साहब ने। और फिर इस लेट नाइट मीटिंग के बाद हम देखते हैं कि आज एक और मुलाकात होती है चौधरी ब्रादरान और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान, और लग कुछ यूं रहा है कि मुजाकराती कमेटी की बजाय चौधरी ब्रादरान जो है वो इन मुजाकरात में एक मेजर जो मरकजी हैसियत है वो अदा कर रहे हैं, वो किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर 36 घंटों में जो उनकी मौलाना साहब से ये तीसरी मुलाकात अब कहा जा रहा है कि हो चुकी है पिछले 36 घंटों में, तो क्या मामलात होंगे वो भी हमारे सामने आते हुए नजर आएंगे। साथ साथ फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने जब आज मीडिया टॉक की तो उन्होंने कहा कि मौलाना का ऐसा कोई मुतालबा सामने नहीं आया जिस पर हुकूमत संजीदगी से गौर करे। जब नामूसे रिसालत कानून से छेड़छाड़ हो रही थी उस वक्त मौलाना खामोश रहे, आज उसी जमात के बगल में बैठकर हुकूमत पर हमले कर रहे हैं। हम सुनवा देते हैं एग्जैक्टली व्हाट डिड शी से ऑन दिस एंड देन वी विल गेट बैक टू शो। मौलाना साहब का पहले दिन से कोई ऐसा मुतालबा सामने आया ही नहीं जिसको हुकूमत सीरियस अंदाज से डिबेट करे, उस पर कोई वाजिया लाए अमल तय करे। हमारी निगोशिएशन कमेटी जितनी दफ़ा उनसे मिली है हर दफ़ा उन्होंने एक नई बात की है जिसका पुरानी बात से कोई लेना देना नहीं होता। जिस पार्लियामेंट के अंदर नमूसे रसालत के कानून पे छेड़छाड़ हो रही थी, मौलाना उधर बैठे हुए थे और उनके कान पे जूनी रेंगी थी। जैसे कि आपने इनका फिरदौस आशिक आवान साहिबा का भी शॉट सुना, और साथ साथ जहां पर हमें इस धरने की वजह से जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं, सियासी मौसम जो है वो बड़ा गर्म नजर आ रहा है, वहीं पर धरने के शुरका को कल रात से तेज बारिश का भी सामना करना पड़ा, और जिस पर वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एक अच्छा प्रेजिडेंट सामने आता है जब वो ट्वीट करते हैं और उन्होंने चेयरमैन सीडीए को धरने की जगह
का दौरा करने और धरने के जो शुरका हैं उनको फैसिलिटेट करने का भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी। साथ साथ हमने देखा कि जो धरने के इंतजामीन वाले थे या मौलाना साहब थे, वो कल खुद भी जब ये आंधी तूफान में उनके शुरका जो है हालात का मुकाबला कर रहे थे, वो खुद भी उस कंटेनर पर मौजूद नहीं थे, जिस पर जो हुकूमती गुजरा है उनकी जानिब से रद्देअमल सामने आता है। मुराद सईद साहब का कहना है कि धरने वालों को जो लाए थे वो छोड़कर चले गए, उनकी फिक्र भी इमरान खान साहब को है। और वजीर आजम की इस पेशकश का जवाब देते हुए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा कि वजीर आजम अपना तावुन अपनी जेब में रखे, हम अपना इंतजाम खुद कर कर आए हैं। सुनवा देते हैं कि क्या कहा गया मौलाना गफूर हैदरी साहब की जानिब से। तावुन को अपनी जेब में रखे, हमने अपना खुद इंतजाम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह से हमारी मीटिंग थी, अभी खत्म हो गई। मरकजी मजलिस शूरा, मरकजी मजलिस आमिरा के अफराद और चारों सूबों के उमरान समाए यहाँ थे और इंशाल्लाह हम अपना इंतजाम खुद कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर आज होने वाले सेनेट सेशन की बात कर ली जाए तो वहां पर भी जो टेम्परेचर्स हैं वो बड़े हाई नजर आए। वहां पर हमें जब अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं उन्होंने खिताब किया तो हकूमती जो अरकान थे उन्होंने काफी शोर शराबा किया और उसमें मुराद सईद और जो मौला बख्श चांडियो हैं उनके दरमियान में बड़े तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। हम पहले दिखा देते हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, लेट्स वॉच दिस एज़ वेल। कश्मीर 15 साल तक कमेटी के चेयरमैन के बाद आपने इनके मुंह से नहीं सुना कश्मीर एक इंटरनेशनलाइज इशू बन गया था, उसके ऊपर बात हो रही थी, आपने इस वक्त मार्च करके किसको फायदा पहुंचाया? एक कह रहा है हम जमीन तंग कर देंगे, अच्छा जाकर देखो उधर जमीन आप पर तंग होती या उन पर, हम यूं कर देंगे। और मौलाना साहब बैठे, हम जमीन है, ओ बाबा उधर जाओ तो सही, उधर से चक्कर चला के घूम के तो आओ जरा, आप मिलते तो कर रहे हैं, अब इसको रोकेंगे या हम उठाकर फेंकेंगे इनको? प्लीज हम उठाकर फेंकेंगे, प्लीज आप आपको बोलेंगे हम उठाएंगे इनको जी, चेयरमैन साहब को बोलेंगे हम उठाएंगे इनको, मैं चेयरमैन साहब को बोलेंगे हम उठाएंगे, चेयरमैन साहब को बोलेंगे ये उठाएंगे, आप तकरीर करें, साहब का नाम लेंगे उठाएंगे, आप तशरीफ रखें फैसल साहब प्लीज, आप तकरीर स्टार्ट करें, आप बिलावल के जूते साहब आप तकरीर करें प्लीज, आप बिलावल के जूते जैसे नहीं आप बैठ जाए। ये माहौल देखने में आया आज के सेनेट सेशन में और साथ साथ अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की तबीयत की बात कर ली जाए तो 16 रोज सर्विसेज हॉस्पिटल में गुजारने के बाद आज वो अपने रेजिडेंस जो कि जाती उम्रा है वहां उनको शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनके घर में ही खसूसी मेडिकल यूनिट लाई यानी कि ICU जो है वो कायम कर दिया गया है। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो 24 घंटे डॉक्टर्स की अंडर केयर रहेंगे। सर्विसेज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स को इलाज के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी थी और फिर मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा मरियम औरंगजेब हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत की सूरत हाल की वजह से डॉक्टर्स ने मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स हैं उनकी तादाद कम होने के बायस उन्हें इंफेक्शन होने का भी शदीद खतरा है। जबकि हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था लेकिन मरियम नवाज की रिहाई तक हस्पताल से डिस्चार्ज होने से उन्होंने इंकार कर दिया था। अब सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की जो जेनेटिक टेस्टिंग है उसका मशवरा दिया है जो कि जर्मनी से होने हैं। अब देखना यह होगा कि शरीफ फैमिली इस हवाले से क्या फैसले करती है, क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर जाकर ये जेनेटिक टेस्टिंग करवाएंगे या उनके ब्लड सैंपल्स लेकर भेजा जाएगा और टेस्टिंग वहीं होगी और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ही रहेंगे। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए सदर आसिफ फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की तबियत के हवाले से तो उनकी भी खराबी की खबरें हमें सामने आती हुई नजर आ रही हैं और पीपल्स पार्टी ने भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त में प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया है जिसमें कि कहा जा रहा है कि जरदारी साहब की जो शरियाने हैं उसमें खून जमने और जो शुगर लेवल्स हैं उनमें जो है उतार चढ़ाव से उनकी हेल्थ जो है वो क्रिटिकली उसको खतरा लाहक हो सकता है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने भी मुल्तान बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा कि हम अब तक इंतजार में हैं कि कब अदलिया बेनजीर भुट्टो के खानदान को इंसाफ देगी। हम इन्हीं तमाम इशूज को जेर बहस लेकर आएंगे बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर शाहीन खालिद बट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंह का ताल्लुक है उनके साथ तशरीफ फरमा है, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और हमें टेलीफोन लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम।
अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम ऑपोजिशन से शुरुआत करना चाहेंगे और यहाँ पर सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब आज का खिताब जो कि अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपने धरने से, उसमें उन्होंने 12 रबीउल अव्वल की डेट के हवाले से कहा है खिताब करते हुए कि एक तो उन्होंने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए हुक्मरानों को एक दिन भी देने को तैयार नहीं है, उन्हें जितने दिन देंगे पाकिस्तान कमजोर होगा। दूसरा ये 12 रबीउल अव्वल का उन्होंने कहा है कि 12 रबीउल अव्वल को ये धरना सीरत कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो जाएगा और सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहीं से करेंगे, तो इससे क्या समझा जाए कि क्या 12 रबीउल अव्वल जो है वो फाइनल डेडलाइन है, धरना खत्म होने जा रहा है 12 रबीउल अव्वल को? बहुत शुक्रिया नीलम। मैं समझता हूँ कि मौलाना ने जो सीरत कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, कोशिश तो उनकी जारी है और जैसा आप जानती हैं कि उनके 2-3-4 मीटिंग उनकी हो चुकी हैं और मीटिंग्स के अलावा चौधरी बरादरान जो हैं वो अपने अलग से एफर्ट कर रहे हैं और इस जस्तजू में कि कोई हल निकल आए और इस सख्त मौसम में जिसका आपने देखा कि कल सख्त बारिश भी हुई और उसमें जो लोग हैं बैठे हुए हैं जो वहाँ पे धरने में, यकीन उनमें से कुछ लोगों की कैजुलटीज़ भी हुई हैं सुनने में आई ये बात, तो इस मौसम में मेरा ख्याल है कि आखिर को तो कोई बात फैसला कुन होनी ही है और उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इन हालात में जैसा कि आपने सेनेट की कार्रवाई बताई और फिर हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो तंजिया गुफ्तगु की, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं उनको थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए और थोड़ी खामोशी, कुछ दिनों के लिए खामोशी इख्तियार कर लें ताकि जो भी निगोशिएशन हो रही हैं बिटवीन बोथ दी पार्टीज़ वो कुछ किसी तरफ लगें, हो सकता है उससे कोई बेहतर रिजल्ट निकल आए, चाहे जाए कि हर बात तंजिया कह के उनको और इंटिमिडेट किया जाए और बात का बिगाड़ पैदा किया जाए। मेरा ख्याल है कि इनको खामोश रहना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि कोई ना कोई निगोशिएशन में कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा और निकलने के बाद ये हल निकले। सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है, क्या दरमियानी रास्ता जिसकी के बात की गई मौलाना फजलुर रहमान ने, जब लेट नाइट मीटिंग होती है परवेज इलाही साहब से उसमें उन्होंने भी कहा कि अगर कोई दरमियानी रास्ता वाली तजवीज सामने आएगी तो उस पर गौर करके फैसला करेंगे। मैं यहाँ पर हुकूमत से भी जवाब ले लूं, यहाँ पर डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो, अभी कुछ देर पहले मौलाना साहब का खिताब जो है वो खत्म हुआ है जिसमें उन्होंने बड़े 2-3 मेजर पॉइंटर्स को जो है टच बेस किया है। एक तो 12 रबीउल अव्वल की उन्होंने कहा है कि तारीख को यह धरना सीरत कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि अब तक आपकी हुकूमत 3 बजट पेश कर चुकी है और अगर अगला बजट भी इसी हुकूमत ने पेश किया तो पाकिस्तान का निजाम मुकम्मल बैठ जाएगा। और तीसरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज फायज ईसा साहब के खिलाफ जो हुकूमत का रेफरेंस है उसको वापस करने का, रेफरेंस को वापस लेने का जो है उन्होंने मुतालबा किया है। तो ये अब आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या 12 रबीउल अव्वल को डेडलाइन समझा जाए धरने के खात्मे का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नीलम, मैं समझती हूँ कि 12 रबीउल अव्वल की अनाउंसमेंट जो की गई है वो सिर्फ इस वजह से की गई है कि अब मौलाना साहब को अपना धरना जो है वो कंटिन्यू करने में बहुत मुश्किल का सामना हो रहा था। डेली बेसिस पे धरना, चूंकि मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ, मैं ग्राउंड के ऊपर खुद हालात देख रही हूँ, तो इस डेली बेसिस पे जो है धरना के शुरका की तादाद जो है वो कम होती जा रही थी और जिस तरह से रात को आपने देखा है कि इस कदर शदीद बारिश और सर्दी की वजह से बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी, क्योंकि इतनी टफ कंडीशन में जबकि इनके लीडर्स जो है वो खुद तो अपने घरों में जाके आराम करते हैं और इन लोगों को जो है वो खुली सड़कों के ऊपर छोड़ा हुआ था और उन लोगों ने रात को कंटेनर्स खोल के उसके अंदर पना ली, कोई उनके लिए इंतजाम नहीं था, कोई उनके लिए बंदोबस्त नहीं था। इस वक्त वो कंटेनर्स के अंदर रह रहे हैं, जो कंटेनर्स इस्लामाबाद की सड़कों पे मौजूद थे वहां थे, कुछ लोगों ने मेट्रो के नीचे जो बेसमेंट में स्टेशन था उसमें पना ली, कुछ ने मस्जिदों में पना ली, इन लोगों के लिए कोई खातर का इंतजाम नहीं था और मौसम की शिद्दत के बाद इम्कान जो था वो बढ़ गया था कि जो तादाद ग्रेजुअली कम हो रही है वो और तेजी से कम होगी। तो ये अनाउंसमेंट करके एक दफा फिर मौलाना साहब ने जो है वो मजहब कार्ड खेला है और सीरत कॉन्फ्रेंस एक ऐसी चीज है कि जिससे मुसलमान जो हैं वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सीरत कॉन्फ्रेंस के नाम पे अगर कोई वापस जाना भी चाहता था या जो लोग वापस चले भी गए हैं वो दोबारा से जो है उनको इकट्ठा करने के लिए, मैं समझती हूँ कि मौलाना साहब ने इसको सिर्फ एक मजहब कार्ड के तौर पर यूज किया है और मुसलमान के जज्बातों को जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम
हमारे पास कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता उनके नाम के ऊपर, हमें कितने भी मुश्किल हालात हो मुसलमान जो है वो फौरन खड़ा हो जाता है। तो इस वक्त ये जो उन्होंने सीरत कॉन्फ्रेंस का जो अपना कार्ड प्ले किया है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि वो अपने धरने में जो शुरका हैं उनको वहां पर रखना पूछ लेते हैं। ऑलराइट, कि क्या ये मजहब कार्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है आज की इस अनाउंसमेंट के बाद, यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, ये अब आज का जो खिताब है वो आपके भी सामने है और ये जो 12 रबीउल अव्वल को करेक्ट किया जा रहा है धरने के साथ और कहा जा रहा है कि सीरत कॉन्फ्रेंस में ये तब्दील हो जाएगा और जो सीरत कॉन्फ्रेंस है उसकी यहीं से उसका इनेकाद किया जाएगा, तो ये क्या मजहब को इन्वॉल्व किया जा रहा है? और दूसरी बात, ये जो हमारे सामने पिछले 36 घंटे हैं इसमें चौधरी परवेज इलाही और शुजात हुसैन साहब की जो मौलाना से 3 मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं, लेट नाइट मीटिंग भी हमारे सामने है और उसमें मौलाना साहब ने कहा भी कि अगर कोई ऐसे ही सजेशन सामने आती है तो हम उस पर गौर करेंगे और फैसला करेंगे। तो हुकूमती कमेटी की अगर बात की जाए तो आज उनकी रहबर कमेटी से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होती, तो क्या लग रहा है कि क्या चौधरी बरादरान जो है वो मौलाना के साथ किसी हल की जानिब बढ़ते हुए नजर आएंगे और फिर बाद में जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो उस लाइन को टो कर लेगी? देखिए जी, यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त धरने की जो पोजीशन है उसमें हम फजल रहमान साहब को सेंटर स्टेज पे देख रहे हैं और उनकी इमामत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की पार्टीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सेंटर स्टेज पे इस वक्त फजल रहमान साहब हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो फर्स्ट ईयर की या जो मेन लीडरशिप है वो कहीं देखने में नज़र नहीं आ रही। उन दोनों पार्टीज़ की सेकंड और थर्ड ईयर की जो लीडरशिप्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्लियरली ये बात वाजी हो गई है कि इस वक्त प्रैक्टिकली लीडर ऑफ द अपोजिशन इन पाकिस्तान इज़ फजल रहमान साहब और उनकी इमामत में ये पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं। अब रही बात कि वो कर क्या रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी जो पोलिटिकल मनूवर था ये धरना करने का और उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने का, वो मनूवर शायद इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ है और अब उन्होंने सियासत के साथ मज़हब का एक कार्ड जो है उसको भी खेलने की कोशिश की है और इसको धरने को अब वो सीरत कॉन्फ्रेंस में तब्दील करना चाह रहे हैं। तो ये एक मूवमेंट जो है उनकी या एक स्टेप ये जो वो लेना चाह रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि उनको अपने सियासी अहदाफ जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं और अगर उनको सियासी अहदाफ नहीं मिल रहे हैं तो वो एक बहुत ही डेंजरस कम्बिनेशन बना रहे हैं पॉलिटिकल और रिलीजियस अपने ऑब्जेक्टिव्स का, और जिसको वो दोनों को कंबाइन कर फिर भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत ही फायदेमंद नहीं होगा। रही बात ये कि यहाँ पर सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब से, जो कि आप भी एलाइज हैं मौलाना साहब के साथ इस धरने में, तो ये जो अब रिलीजियस मैटर को एक रिलीजियस कार्ड कह लें उसको लाया जा रहा है, उसको कंबाइन किया जा रहा है पॉलिटिकल मैटर के साथ, धरना जो कि पॉलिटिकल था अब उसमें सीरत कॉन्फ्रेंस को कंबाइन किया जा रहा है, क्या यहाँ पर नून लीग जो है वो साथ देती नजर आएगी मौलाना फजलुर रहमान का इस सीरत कॉन्फ्रेंस में? क्या नून लीग के शुरका भी शिरकत करते नजर आएंगे? नून लीग की क्या स्ट्रेटजी है इस मामले पर? जी बहुत शुक्रिया नीलम, मैं यहाँ थोड़ी तस्वीर करना चाहता हूँ भेड़ साहब की कि मुस्लिम लीग के हवाले से बात बड़ी वाजे है, फ्रॉम डे वन धरना शुरू होने, धरना या मार्च शुरू होने से बहुत पहले से हमारा एक इंस्टांस था कि हमने ये बड़ी वाजे तौर पे हमारे सदर मियां शहबाज शरीफ और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनके ख़त की रोशनी में उन्होंने वाजे तौर पर कहा था कि हमारा जो शमूलियत होगी इस पूरे मार्च में वो मार्च और 31 का जो एक तक जलसा है उसके हवाले से होगी और हमने बड़ा क्लियरली कहा था कि हम धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे और आप देखिए कि हमने धरने का हिस्सा नहीं बने। और मैं तस्वीर ये करना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ उनकी कोई शमूलियत ऐसा धरने में नहीं है, आप देखेंगे कि हमारे स्टेज के ऊपर आपको मुस्लिम लीग नून की कोई क़यादत नजर नहीं आ रही। उन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप की जो फोरकास्ट दी है आज 12 रबीउल अव्वल को सीरत कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट होने की इस धरने के, उसमें क्या नून लीग के शुरका होंगे? जी मैं उस तरफ आऊंगा, मैं मेरी गुजारिश ये है कि देखिए इस्लाम इज आर वे ऑफ लाइफ, अब ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि कोई बंदा अगर स्टेज पे या लेफ्ट या राइट नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो हम उसको ये कहें देखिए ये तो रिलीजियस कार्ड प्ले कर रहे हैं या सीरत नबी सीरत कॉन्फ्रेंस की बात कह दें तो ये हम कहें कि ये मजहबी कार्ड है, ये मजहबी कार्ड नहीं है, ये हमारा वे ऑफ लाइफ है,
جب ایسے دن آتے ہیں تو ہم سیرت جو سیرت النبی کی جو ہے اس کا انعقاد کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس بات کو ہمیں کسی اسلامی کارڈ سے یا ریلیجس کارڈ کے تشبیہ دینی چاہیے, یہ زیادتی ہوگی. اب ہمارا تو وے آف لائف ہے اسلام, ہم تو دن میں سارا جو جس طریقے سے پورا دن گزارتے ہیں اس میں ہر چیز اسلامی ہے. نمازیں پڑھتے ہیں پانچ, اب نماز پڑھیں گے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مذہبی کارڈ پلے کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ کوئی اچھی تشبیہ نہیں ہے, اس بات کو اس سے کارڈ سے دینا نہیں ہے. اپنے مولانا جو ہیں انہوں نے بڑی طور واضح طور پہ سیاسی بات ایشوز ہیں ان کے, اور ان کے سیاسی ایشوز ہیں جن کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں, بجٹ ڈسکس کر رہے ہیں, مہنگائی ڈسکس کر رہے ہیں, الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں, یہ تو مزید بات کوئی نہیں. پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ, اب یہاں پر آج مولانا نے بجٹ کے حوالے سے بھی بات کی, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے 3 بجٹ اب تک پیش کر دی, اگر ایک اور بجٹ اسی حکومت نے پیش کر دیا تو اس ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا. مہنگائی کی بھی انہوں نے بات کی ہے, اور پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے پروپوزل آیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو اگر یہ ثابت کرتا ہے کہ 2018 الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو اس پر پھر مزید پیش رفت ہوگی. کیا ایسا کمیشن اگر آتا ہے, پارلیمانی کمیشن, یہ تو پہلے بھی آفر کی گئی تھی, یہ اسی کو فعال کیا جائے گا اور پھر اپوزیشن کو کیا قبول ہوگا؟ یہ ہم دوبارہ آئیں گے نوشین حامد صاحبہ کی جانب. ان دی مین ٹائم ہم عمران ملک صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں, یہی کوسچن میں آپ کی جانب لے آتی ہوں کہ ایک تو یہ جو مذہب کارڈ ہے اس کا جو پرسپیکٹو دیا گیا شاہین خالد بٹ صاحب کی جانب سے, اور دوسرا جو حکومت کی جانب سے پروپوزل لایا جا رہا ہے جس میں کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اس کمیشن میں کہ 2018 الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو اس پر مزید پیش رفت ہوگی, تو یہ پھر کیا یہ کمیشن قبول ہوگا اپوزیشن کو, یا جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کو ریوائیو کرنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے, تو یہ آپشنز جو ہیں یہ اپوزیشن کو قبول ہوں گی؟ دیکھیے اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے سینیٹر صاحب کی بات کو تھوڑا آگے لے جاؤں. جب یہ ایک اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر جو کہ خالصتاً ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے اور وہاں پر ایک وہ ریلیجیس کانگریگیشن کرنا چاہتے ہیں, تو یقیناً یہ ریلیجیس کارڈ کو وہ پلے کر رہے ہیں, اور میرے نزدیک وہ ریلیجیس کارڈ کے اوپر اس لیے آئے ہیں کیونکہ ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ابھی اچیو نہیں ہو رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو کوئی پروپوزلز دے اور کوئی مڈل وے ڈھونڈے اور وہ اس کے اوپر ہاں یا نہ بولیں گے. میرے خیال میں فضل الرحمان صاحب اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ وہ کچھ ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکیں. تیسری بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اب اس جگہ پر پہنچ کر انہوں نے شاید فضل الرحمان صاحب کو خیر باد کہہ دیا ہے اور ان کے دھرنے کو بھی خیر باد کہہ دیا ہے. اب ہیئر آن ورڈ فضل الرحمان صاحب اکیلے ہیں اور ان کی پارٹی اکیلی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جو باقی چھوٹی پارٹیز ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی ایک آدھ لیڈر ہی نظر آتا ہے, تو ان کی جو نیگوشیٹنگ پاور جو ہے یا پوزیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹرمز اور کنڈیشن جو ہیں اس کے معاملے کو ریزالو کرنے کے اس کو ڈکٹیٹ کر سکے. رہی بات کمیشن بنانے کی, تو وہ ایک فیس سیونگ راستہ ہے جو کہ میرے خیال میں گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے, اور فضل الرحمان صاحب کو اس کو فوری طور پر قبول کر لینا چاہیے اور اس کو ایک فتح سمجھ کر وہ اس دھرنے کو ختم کریں, اور پاکستان کے اوپر جو پولیٹیکل ایک اسٹرینگل ہولڈ پاکستان کے اوپر انہوں نے ابھی اس وقت کریٹ کیا ہوا ہے اسے پاکستان کی جان چھوڑیں. ٹھیک ہے, یہاں پر نوشین حامد صاحبہ, یہ اب یہ جو کمیشن کی آپشن رکھی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں آگے معاملہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ اور یا جیسے کہ پرویز الہی صاحب کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں چودھری برادران کی, 36 گھنٹوں میں 3 میٹنگز ہمارے سامنے ہیں, اس کے ریزلٹ میں ہمارے سامنے کیا کوئی لائے عمل یا کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ترتیب دی جاتی ہوئی نظر آئے گی؟ دیکھیے جی, حکومت تو پہلے دن سے جو ہے وہ مولانا صاحب کو کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو پورے ملک سے ان کے قافلوں کو کسی جگہ بھی روکا نہیں گیا, کسی جگہ پہ ان کے لیے کوئی پرابلمس نہیں کریٹ کی گئیں, اور وہ بڑے بحفاظت اور بہت آرام سے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گئے. تو گورنمنٹ اسی طرح سے آگے بھی ان کی جو جائز مطالبات ہیں اس کو سننے اور اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. مگر اگر 2% ووٹ لینے والا, جس کی پوری پاکستان میں صرف 2% ووٹ بینک تھا, وہ اگر یہ ڈیمانڈ کرے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے دے, تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت ناجائز ڈیمانڈ تھی. اور مولانا صاحب کو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جس پارٹیز کے ساتھ وہ الائنس کر کے چلے تھے وہ ایک بہت ان نیچرل الائنس تھا. وہ پہلے دن ہی ہم کو, بلکہ یہ دھرنا شروع ہونے سے پہلے ہی پتا تھا کہ
कि ये अलायंस आगे नहीं चलेगा और मौलाना साहब को वो सपोर्ट ऑपोजिशन से नहीं मिलेगी जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेले तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए मौलाना, लेकिन हमने तो देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी स्टेज पर आकर खिताब किया, फिर बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब तो एक साथ स्टेज पर नजर आए, तो क्या आपको नहीं लगता कि अलायंस जो है वो जो मुतहदा अपोजिशन है वो साथ खड़ी हुई नजर आई थी इस्लामाबाद आने के बाद? एक दिन के लिए तो मैं समझती हूँ कि वो उन्होंने कमिटमेंट भी एक ही दिन की थी, मगर एक्चुअल प्रेशर जो है वो एक जलसे से नहीं बनता। अगर वो एक्चुअली एक मुतहदा अपोजिशन गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर डालना चाहती थी तो इस धरने को सस्टेन करने में उनकी प्रेजेंस जो है वो साथ होनी चाहिए थी। जबकि हम देखते हैं कि धरने में पहले दिन से ही वो लीडर तो उनसे जरूर आके स्टेज के ऊपर स्पीचेस कर गए थे, मगर धरने के शुरका में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग जो थे वो मौजूद नहीं थे, और अगर कोई थे भी तो वो इतनी मिनिमम उसमें थे नंबर्स में कि वो नोटिसेबल नहीं थे। और इस वक्त तो उस धरने में ना कोई उनकी लीडरशिप मौजूद है और ना ही उनके कोई लोग मौजूद है। तो ये मौलाना साहब को ठीक यहाँ पर मैं आपके सामने नौशीन हामिद साहब, सिंस आप हकूमती रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हम आज फिरदौस आशिक आवान साहिबा की जो मीडिया टॉक में एक स्टेटमेंट है वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगी, उस पर आपका कमेंट लेना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि जब नामूसे रिसालत कानून पर छेड़छाड़ की जा रही थी तो उस वक्त मौलाना खामोश थे और अब उसी जमात के साथ खड़े होकर हकूमत पर हमले कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा को क्या इस किस्म के बयान देने चाहिए, इससे मामलात बेहतर होने की बजाय क्या मजीद खराबी की तरफ नहीं जाएंगे? कंटेनर पे खड़े होके मौलाना साहब जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और जिस किस्म के इल्जामात हुकूमत पे लगाते हैं और प्राइम मिनिस्टर के लिए जिस किस्म की बात करते हो, और चूंकि वो नामूसे रिसालत को ही बेस बना के उनके मदरसों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस तरह का इंप्रेशन दिया गया है कि जी यहाँ पे इसराइल का झंडा गाड़ा जाने लगा है, यहाँ पे यहूदी एजेंट मौजूद हैं, चलो यहाँ पर नामूसे रिसालत को खतरा है तो उसके लिए चलो। तो आपको ये बात बिल्कुल ऑन ग्राउंड ये रियलिटी है कि अपने स्टूडेंट को अपने पैरोकारों को वो इस किस्म की बातें बताकर तो इस्लामाबाद तक लेकर आए हैं, तो अब वो उनको क्वेश्चन भी तो बनता है ना उनके ऊपर, इसमें कौन सी कोई वो उन्होंने फिरदौस साहिबा ने कोई ऐसी बात की है? क्योंकि नामूसे रिसालत का तो वो इल्जाम लगाकर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं, तो वो खुद तो पहले जवाब दें कि जिस चीज के ऊपर बिल्कुल मैं समझती हूँ कि फिरदौस साहिबा ने उनको बिल्कुल राइटली क्वेश्चन किया है, और ये उन्हीं के जो वो कंटेनर पे खड़े होकर बातें करते हैं और जो उन्होंने अपने मदरसों में जो पूछ लेते हैं यहाँ पर सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, हम ऑपोजिशन से रिस्पांस ले लेते हैं। अब ये यहाँ पर आपने भी आज देखा होगा कि सेनेट सेशन में भी काफी गर्मा गर्मी होती रही नामूसे रिसालत के फैक्टर को लेकर भी, और फिर जो हमने देखा कि गफूर हैदरी साहब ने जब स्टेटमेंट दी है तो उस पर जो रिएक्शन आता है हुकूमती उजरा की जानिब से, और फिर ये भी स्टेटमेंट दी गई है आज फिरदौस आशिक आवान साहिबा की जानिब से कि मौलाना साहब की तरफ से अभी तक ऐसा कोई मुतालबा सामने नहीं आया जिस पर संजीदगी से हुकूमत गौर करे, और जब भी हुकूमती कमेटी ने मुजाकरात किए उन्होंने हर बार एक नई बात की जिसका पुरानी बात से कोई लेना देना ही नहीं होता था। तो क्या आप लोगों को भी कुछ एक फिक्स्ड आपके कोई मुतालबात नहीं है जो कि आप मौलाना के साथ बैठकर पॉइंट डाउन करें और जोट डाउन करें और फिर गवर्नमेंट के सामने पेश करें? नहीं, मैं मुझे गुजारिश करने दीजिए। बात यह है कि पहली बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून खास तौर पर और पीपल पार्टी जो है उन्होंने मौलाना को छोड़ दिया ही, अलग हो गए। अलग हम नहीं हुए, हमारी पूरी अखलाकी और सियासी हमायत उनको हासिल है और वो अब भी हासिल है और शुरू में भी थी। हमारा यही एक तरीका था, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हमने शुरू में कहा था कि धरना, हम समझते हैं कि धरना जो है ये शायद कोई अच्छा आइडिया नहीं है इस्लामाबाद में लगाना, क्योंकि हमने इसकी इमरान खान साहब की पीटीआई की हमने मुखालफत की थी सख्त, और हमने कहा था ये ठीक आइडिया नहीं है, और अगर हमने उस वक्त की थी और आज भी हम चाहते हैं कि हम उसका हिस्सा न बने, तो इसलिए हम धरना सियासत के खिलाफ थे आप लोग उस वक्त। हम धरना सियासत के ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो धरना सिचुएशन नजर आ रही है। कुछ देर पहले फजलुर रहमान साहब ने खिताब किया धरने से और उसमें उन्होंने 12 रबीउल अव्वल की डेट देते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल को ये धरना सीरत कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो जाएगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस हुकूमत ने अब तक 3 बजट पेश किए हैं, एक और बजट पेश किया
तो मुल्क का दिवालिया हो सकता है। और फिर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जज फैज ईसा साहब हैं उनके खिलाफ जो हुकूमत ने रेफरेंस दायर करवाया है उसको भी वापस लेने का मुतालबा किया। साथ साथ हमने देखा कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से फजलुर रहमान का फॉरम 45 के हवाले से दावा जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें मौलाना ने दावा किया था कि 95% पोलिंग स्टेशंस का नतीजा जो है वो पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स के बगैर ही इलेक्शन कमीशन ने एडमिट कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्होंने अपनी किसी भी रिपोर्ट पर ऐसे आदाद और शुमार जारी नहीं किए हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस वजाहत को किस तरह से लिया जाएगा, और फिर कल रात से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का मौसम काफी सर्द हो रहा है और रात भर तेज बारिश भी हमारे सामने है, जिससे कि धरने के शुरका जो हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना रहा। इस सिचुएशन पर वजीर आजम इमरान खान ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने चेयरमैन सीडीए को हिदायत दी है कि धरने के शुरका के लिए हिफाजती इंतजाम किए जाए। और फिर दूसरे वुजरा की जानिब से भी कॉमेंट सामने आए, जिसको कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि शुरका अपनी तैयारी से आए हैं और उनके पास तमाम इकदामात करने की सलाहियत तो मौजूद है। अब अगर हम यहां पर वापस अपनी कॉन्वर्सेशन की तरफ जाएं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, अब ये जो सिचुएशन हमारे सामने है, मौसम भी काफी शदीद हो, सर्दी उसमें जो है आती जा रही है, बारिश जो है वो भी वक्फे वक्फे से अभी भी हो रही है, तो ये कितने अरसे तक शुरका जो है इस वेदर को सस्टेन कर सकेंगे? दूसरा, 12 रबीउल अव्वल की डेडलाइन है, और फिर आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से जो पटिशन फाइल की गई थी उसको भी रद्द कर दिया गया है कि 95% रिजल्ट्स जो है वो बगैर पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर के ही एडमिट कर दिए थे इलेक्शन कमीशन ने। सबसे पहले तो अगर हम बात ये देखें कि अगर इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल अंडरटेकिंग ली है फजल रहमान साहब ने, तो यकीनी तौर पर उनके अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बिल्कुल बहुत क्लियर और वादे होने चाहिए। जब ये आज़ादी मार्च और धरना शुरू हुआ तो उनके चार बेसिक पॉइंट्स थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा, फिर फ्रेश इलेक्शंस, आर्मी का कोई रोल नहीं होगा इलेक्शंस में, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके इस्लामिक जो आर्टिकल्स हैं उनका इतलाक़ था। इनके ऊपर तो खैर बात हुई भी नहीं शायद, और अब आहिस्ता आहिस्ता उनके जो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, जिसके अंदर एक रिलीजियस कार्ड जो है वो भी खेलना शुरू हो गए हैं। उसके बाद बजट के ऊपर बात शुरू कर दी है, फिर जस्टिस काजी फैज ईसा की वो बात शुरू कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर ये लग रहा है कि उनकी जो डायरेक्शन है, जो उनकी एक पोलिटिकल या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, उसमें अब चेंज आता जा रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी उन्होंने अपने पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव बनाए थे उनको अब अचीव करने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात नज़र आ रही हैं, और वो अब अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करते जा रहे हैं, और वो पैंतरा बदल बदल कर वो अभी अपने ऑब्जेक्टिव्स पेश कर रहे हैं या अपने पॉलिटिकल वार कर रहे हैं। अब रही बात मुस्लिम लीग की और पीपल्स पार्टी की, तो उनके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि साहब छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो मौलाना साहब को यहाँ पर ला के, फजलुर रहमान साहब को यहाँ पर लाकर अब वो बिल्कुल सियासी और इखलाकी उसके ऊपर सपोर्ट के ऊपर चले गए हैं, तो वो जिसका प्रैक्टिकली ये मतलब है कि वो बिल्कुल मौलाना साहब को उन्होंने डिच कर दिया है, और उसमें कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो ये भी अब एक और पैंतरा इन्होंने बदला था कि जी अगर वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे तो अब ये भी आप ट्राई करके देख लें, तो उसका भी आज मनफी जवाब आया है उनके लिए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी कोई एक सही डायरेक्शन या सिम्त नहीं है, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं है जिनके वो लेकर आए थे और उनको वो अचीव करना चाहते थे। मेरे ख्याल में उनको सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वो बिल्कुल ही बेहसियत हो गए थे, ना वो एम्बेसी में उसमें करेक्शन असेंबली में हैं, और ना ही उनकी पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें जीत चुकी है कि वो एक पावर ब्रोकर का रोल अदा कर सकें जैसे वो पहले करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक ये बहुत बड़ी वजह है। लेकिन आज उन्होंने अपने खिताब में एक और मुतालबा हुकूमत के सामने रखा है, मैं वो डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा आपके सामने लेकर आऊंगी और मैं एग्जैक्ट उनके वर्ड्स ही कोट करूंगी ताकि कोई भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। उन्होंने, मौलाना साहब ने यह भी कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के जज फैज ईसा के खिलाफ इस हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किया है क्योंकि उनके फैसले इनके खिलाफ होते थे। हम मुल्क में इंसाफ की बालादस्ती चाहते हैं और ये हुकूमत को ये रेफरेंस वापस लेना होगा। ये जो अब स्टेटमेंट है मौलाना साहब की, तो इसमें इसको किस तरह से देखा जाएगा हुकूमती हलकों में?
लेकिन जी मौलाना साहब की तो जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे कि मौलाना साहब को तो खुद भी नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, वो पहले दिन से लेके आज तक ना उनका एजेंडा क्लियर हुआ है, ना वो ये पता है कि ना वो अपने धरने की शुरका को कुछ बताने में कामयाब हुए और ना ही वो मीडिया को या आवाम को ये मैसेज देने में कामयाब हो चुके हैं कि वो किस मकसद से यहाँ आए हैं। वो खुद मौलाना साहब कंफ्यूज हैं, डेली बेसिस पे उनके मुतालबात चेंज होते हैं, वो कभी उनका कोई मुतालबा होता है और कभी उनका बिल्कुल उसका उलट कोई और मुतालबा होता है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के मुतालबे आज उन्होंने इसके बारे में किए, कल के स्पीच में आप इससे कोई मुख्तलिफ मुतालबा सुनेंगी। तो पहले मौलाना साहब कोई इस रेफरेंस के लिए तो उन्होंने धरना नहीं दिया था, इस रेफरेंस के लिए इतना बड़ा मोबिलाइजेशन वो मासिस की नहीं की थी। तो ये मौलाना साहब पहले सोच लें कि उनको चाहिए क्या है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उनके जो मुतालबात हैं उनमें से कौन से मानने वाले हैं और कौन से नहीं, क्योंकि वो पहले अपनी प्रायोरिटी तो सेट करें कि उनको क्या चाहिए। ऑलराइट सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, अब ये आज मौलाना साहब ने एक और मुतालबा सामने रख दिया है कि हुकूमत ये रेफरेंस वापस ले, वो ये भी मजीद कहते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि आज हमें कहा गया है कि आप एहतजाज करें लेकिन अदालतों के फैसलों की रोशनी में करें, हुकूमत खुद अदालती फैसलों अपनाती नहीं है। तो अब ये जो डायरेक्ट मौलाना साहब जो है वो हुकूमत और अदालत के दरमियान जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या नून लीग की जानिब से भी ये मुतालबात आ रहे हैं जो कि मौलाना का कहा जा रहा है हैप्हैज़र्ड मुतालबात जो है वो पेश कर रहे हैं? देखिए गुजारिश है कि जो मुतालबात उनके कोर कमेटी में डिस्कस हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ और जो उनके एजेंडा है वो तो फिक्स है, वो तो आप देखें पिछले दो तीन दिन से काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उनके ऊपर बाकी और मीटिंग में आज भी शायद होगी, वो तो हो रही हैं। अब जब बाकी टाइम में वो जब स्टेज पर आते हैं और अगर वो किसी और बात का अहाता कर लेते हैं तो उनको मनाही तो नहीं है, आफ्टरऑल उन्होंने रोज़ाना आगे एक या दो दफ़ा तकरीर करनी है, अपने ऑडियंस को बात करनी है, और अगर वो नए इशू को डिस्कस कर लेते हैं तो उसको हम एक नई डिमांड समझ के रद्द कर दें या उस कहें जी ये तो एक जगह टिकते नहीं है, मेरा नहीं ख्याल ये बात अच्छी है, क्योंकि जो उनकी कोर कमेटी जो अनाउंस की हुई उन्होंने और जो गवर्नमेंट की कमेटी से जो डिस्कस कर रहे हैं उसके उसमें वो फिक्स एजेंडा ही है, वो पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, और उन्होंने बड़े वादे तौर पर ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट ने कहा है कि दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा आप दरमियानी रास्ते के जो पॉइंट्स हमें बताएं और हम कंसीडर कर लेते हैं, एंड आई थिंक इट बीन वेरी रीजनेबल बाय सेइंग दैट कि आपके पास अगर दरमियानी रास्ता है तो हमें बताएं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। दरमियानी रास्ते से क्या मुराद, क्या इन हाउस तब्दीली की ऑप्शन तब्दीली दरमियानी रास्ता समझी जाएगी? यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, ये अब ये क्या हुकूमत की तब्दीली अदालती अमल के जरिए भी मुमकिन हो सकती है? किस तरह से होगी और क्या तरीका कार होगा, और क्या दरमियानी रास्ता जो है वो इन हाउस तब्दीली को भी एज अ दरमियानी रास्ता के तौर पर जो है कंसिडर किया जा सकता है? देखिए हमें अभी बहुत रियलिस्टिक होकर इस चीज़ को देखना पड़ेगा। मैंने पहले अर्ज किया था कि फजलुर रहमान साहब जो हैं इनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि ये अपना कोई भी फैसला जो है ये हुकूमत के ऊपर इम्पोज कर सकें। वो किस बुनियाद के ऊपर अपना ये डिमांड पेश कर रहे हैं? 1.3% वोट हैं इनके टोटल पाकिस्तानी वोट्स में से, खुद ये अपने हल्के से इलेक्ट नहीं हुए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनको खाली अखलाकी और सियासी सपोर्ट दे रही है, तो उनके पास निगोशिएट करने के लिए कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। जैसे पहले आपने अर्ज किया कि अगर आपने फरमाया कि ये जो इस्लामाबाद का जो मौसम जो है भाई बारिशें हो रही हैं और मौसम ठंडा हो रहा है, अगर PTI की गवर्नमेंट जो है खाली इस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर दे तो इनके जो वहाँ पर धरने में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास शायद इतने इंतजाम नहीं है कि वो इस ठंडे मौसम में वहाँ बैठ सकें, वो लोग खुद ही उठकर चले जाएंगे। क्विकली मूव ऑन करेंगे, ठीक, क्विकली मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आज की जो एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है वो नवाज शरीफ साहब को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब वो जाती उम्र अपने रेजिडेंस में शिफ्ट हो गए हैं जहाँ उनके लिए ICU जो है वो कायम कर दिया गया है। अब नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है उसमें अभी तक कोई बेहतरी देखने में नहीं आ रही है और डॉक्टर्स की जानिब से जेनेटिक टेस्ट जो है वो रेकमेंड किए गए हैं जो कि बाहर के मुल्क से होंगे। तो सवालात अब सामने आ रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब खुद बाहर के मुल्क जाते हुए नजर आएंगे या
अपने मुल्क के अंदर रहते हुए ये सारी जेनेटिक टेस्टिंग करवाई जाएगी। और फिर हमारे सामने हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ऑफर्स की गई थी तमाम हर किस्म की मेडिकल हेल्प के लिए, तो यहाँ पर क्या मैं बल्कि शाहीन खालिद भट्ट साहब आपकी जानिब आ जाती हूँ, ये सवाल आपकी जानिब ले आती हूँ कि क्या नून लीग जो है वो हुकूमत की जानिब से दी गई जो मेडिकल फैसिलिटीज और अब तक के जो इकदाम है उससे मुतमईन है? देखिए, हमारे लिए मुस्लिम लीग के लिए और ख़ास तौर पे मियाँ साहब की फैमिली के लिए इस वक्त मियाँ साहब की सेहत जो है बड़ी एक अहम इशू है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम कोई पॉलिटिकल एंगल उसमें प्ले ना होने दें। आपने देखा जो पिछले दिनों से 15 दिनों से वो हॉस्पिटल में थे, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो बड़ी खतरनाक हद तक कभी उनके जो प्लेटलेट्स से नीचे आ जाते हैं और वो स्टेबल नहीं हो रहे, और ये कपल्ड विद अदर प्रॉब्लम दैट ही हैज़, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की है, डायबिटीज़, और फिर उनके ब्लड प्रेशर वगैरह, तो ये सब एक दूसरे को इन्हेंस कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम प्योरली उनकी सेहत की तरफ तवज्जो दें, और इसीलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ है और हॉस्पिटल में रह के आपके इलम में ये बात है कि हॉस्पिटल में रहने से हॉस्पिटल की और बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, इसलिए उनको एक स्पेशली घर पे यूनिट आईसी यूनिट बना के वहाँ मूव किया गया है। और शाहीन खालिद भट्ट साहब आपका, इमरान मलिक साहब, नौशीन हामिद साहिबा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब की मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहाई का डिटेल डिसीजन था वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज इशू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब हुकूमत 8 हफ्ते बाद अस खुद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने का फैसला दे सकती है और नवाज शरीफ खुद भी जमानत में तौसी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब आगे 8 हफ्ते बाद क्या होगा, क्या पंजाब हुकूमत इसका फैसला देती हुई नजर आएगी या एग्जीक्यूटिव की जानिब जो है रजू किया जाएगा, या आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।